तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीबीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग। जी हाँ, एक्सेल वीबीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग आज का हमारा टॉपिक है और हमारे साथ जाहिद जी, रमेश जी एंड तेजेंद्र जी हैं और हम डिस्कस करने जा रहे हैं लूप के ऊपर। लूप, सबसे पहले जानिए लूप की जरूरत क्यों पड़ती है। लूप इंपॉर्टेंट है लेकिन इसकी जरूरत क्या है पहले समझिए। जैसे मेरे सामने एक डेटा आपको दिख रहा है, छोटा सा स्टिकर है, मुझे इसको कभी 5 बार तो कभी 10 बार एक के नीचे कॉपी करना होता है। इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कॉपी किया और इसके नीचे पेस्ट कर दिया। तो इसके लिए हम एक मैक्रो बनाना चाहते हैं, राइट। तो चलिए हम विजुअल बेसिक में जाते हैं और हमारा ये इंसर्ट मूव करते हैं और यहां पे हम सब्जेक्ट देते हैं। हेलो हेलो, तो यहां पे हम जस्ट यहां पे हमें कॉपी एंड पेस्ट करना है। तो हमने यहां पे लिखा रेंज 65,000 डॉट, नहीं, बेसिकली मुझे पता है तो 65,000 लगाने की जरूरत नहीं है। हमें जस्ट कंट्रोल, इसे कंट्रोल से कॉपी कर लेना है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, करेंट रीजन 6821 5 6। एक मिनट दीजिएगा, मैं बेसिकली एक सनवाद जी है यूएई से, यूएई में सर ये नहीं चलता है, जूम में चलता है, तो उनको गो टू मीटिंग भेजना पड़ता है। 8 6 2 1 2 गो टू मीटिंग से लेना पड़ेगा। 6 2 तो मैं इसलिए थोड़ा सा मैं दिमाग उधर चला गया तो मैं यहाँ कुछ ना कुछ कॉल लिख दिया। A1.currentregion.com राइट, ये हो गया हमारा। और हमें पेस्ट करना है रेंज 65,000 डॉट एंड एक्सेलेस अप डॉट ऑफसेट 2,0 डॉट पेस्ट स्पेसर, ठीक है सर। तो हमने कॉपी कर लिया, अब हमें इसको 10 बार पेस्ट करना है, हमें इसको 10 बार पेस्ट करना है। अब 10 बार पेस्ट करना है तो मुझे खाए तो जो हमारा कोड है इस कोड को 10 बार कॉपी पेस्ट करना होगा, ठीक है। तो हम चाहते कि नहीं नहीं इस कोड को मुझे 10 बार रिपीट कर दे, इस कोड को 10 बार रिपीट कर दे। तो इस कोड में मैंने क्या किया, लूप का इस्तेमाल किया। लूप 4 i 1 2 10 और यहां पे हमने कर दिया नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो 1 से लेके 10 तक चले और नेक्स्ट में हमने रेंज ऑफसेट 2,0 वैल्यू कर दिया। तो ये जो आपका जो पेस्ट स्पेशल करने की जो कोड लाइन ऑफ कोड है इसको 10 टाइम रन करेगा। तो फोर लूप हुआ और यहाँ पे नेक्स्ट हुआ। आप समझिए कि लूप जो है कितने तरह के होते हैं। तो बेसिकली लूप 2 तरह के होते हैं, फोर और दूसरा हमारा होता है डू,
और दोनों के दो दो पार्ट होते हैं, फोर आई मतलब कि फोर इंटीजर, जिसकी जिसको एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग देना होता है, ये जैसे कि हमने किया हुआ है। इसमें क्या किया हमने कि स्टार्टिंग एंडिंग दे दिया, तो फोर आई वन टू टेन चले, तो मतलब कि वो 10 बार इस कोड को रन करेगा वन से। अब यहाँ पे अब मैं यहाँ पे 10 to 20 भी कर सकता हूँ, 20 to 50 भी कर सकता हूँ, अपने हिसाब से जो मर्जी करना चाहे इसमें मैं कर सकता हूँ। अब आई क्या है, आई इंटीजर है, इसके जगह भी आप एक्स वाई जेड एवी सी डी अनाम एनीथिंग दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये एक काउंटर होता है कि आई कितना बार चल चुका है, इसकी काउंट कहाँ रखता है, आई के ऊपर, क्योंकि आई उसको एक स्टोरेज पॉइंट चाहिए ना कि हाँ एक बार चल चुका है, दो बार चल चुका है, इसलिए फोर ने एक स्टोरेज पॉइंट लिया आई, और उसमें उसने जितना बार चला वन, क्योंकि आपको पता ही है कि कोड वन बाय वन चलते हैं, तो वन बाय वन चलेगा तो यहाँ पे वो रखेगा। जैसे आपने इफ लगाया था, आपने एंड इफ किया था, वैसे ही फोर का नेक्स्ट होता है। नेक्स्ट काम होता है कि इस आई की वैल्यू को कंपेयर करना है इसके लास्ट वैल्यू से, ठीक है, कंपेयर करना है इसकी लास्ट वैल्यू से। अगर लास्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन आई तो ठीक है, अगर लास्ट वैल्यू गेट लेस देन आई मतलब कि आई 10 से बड़ा हो गया, तो नेक्स्ट का काम है लूप को फिनिश करना। जैसे कार रेसिंग होती है, तो कार रेसिंग में आपको एक ग्राउंड के 10 चक्कर लगाने हैं, तो एक आदमी होता है ना जो कार के कितने चक्कर लग चुके हैं वो राउंड को काउंट करता है, तो वही ये आदमी है जो लूप के कितना बार रिपीट कर चुका है, कितना बार चक्कर लगा चुका है, उसकी काउंटिंग आई रखता है और इसको रन करेंगे रन हो गया। तो ये हमारे हम वापस आते हैं तो फोर हो गया। दूसरा आता है फोर इच। अब जैसे कि आपके पास एक नंबर है स्टार्टिंग टू एंडिंग, तभी कर सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए मुझे एक सिलेक्टेड एरिया पे करना है, मैं चाहता हूँ कि जितना भी एरिया यूजर सिलेक्ट करे, जैसे मान लीजिए कि आप सिलेक्ट करते हैं और फॉर्मेट अप्लाई करते हैं, तो अगर फॉर्मेट अप्लाई करने का कोड आप करेंगे तो हर एक सेल पे जाके कलर अप्लाई करेगा, तो कितने सेल पे करेगा, जितना सेल सिलेक्टेड है, या फिर एक फाइल में जितने वर्कबुक है, या एक फोल्डर में जितने फाइल है, वर्कशीट, एक फाइल में जितने वर्कशीट है और एक फोल्डर में जितने वर्कबुक है, उतनी बार चले। एरे में जितने कोड है, नंबर्स है, उतनी बार चले। मतलब एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जितना बार है उसके हिसाब से हो। तो फोर इसका फंडामेंटल समझ में आ गया। हेलो हेलो सर, एक शीट पे जैसे किसी जो हमारे सेल होते हैं सिलेक्टेड पे, सेल पे काम करता है, तो फिर ये वर्कबुक पे सेल पे नहीं, इच जो है ऑब्जेक्ट पे काम करता है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोड लिया कि फोर इच इन सिलेक्शन, फोर इच इन सिलेक्शन मतलब कि सिलेक्शन जो सिलेक्टेड एरिया है उसके हर एक सेल पे चलो, राइट। फोर एवरी, इसको आपने बोल दिया कि फोर इच इन सीट्स, जितने भी शीट्स है हर शीट्स पे चलो, फोर इच इन द वर्कबुक, जितने भी वर्कबुक है उस पे चलो, समझ गए। हेलो हाँ सर, जैसे ठीक है, एक डिफरेंस इसमें ये हुआ फोर आई में इसमें कि जैसे ये एज ए अगर हम किसी शीट पे सेल सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्शन एरिया पे काम करता है, लेकिन अगर शीट पे हम आते हैं शीट पे वर्कबुक पे तो फोर आई भी शायद ये काम करता है, या कुछ डिफरेंस है इनमें। फोर ई एक मिनट, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो, दोबारा बताइए। अब आ रही है सर? हाँ आ रही है। एक डिफरेंस तो ये है, हाँ, कि जैसे मान लो हमने एक शीट लिया और शीट में हमने कुछ डेट कुछ एक सिलेक्ट किया एरिया, तो फॉर ईच हर सेल को मतलब चेक करेगा किसमें ज्यादा कम है, किसको फॉर्मेट करना है किसको नहीं करना, इस तरह ये हो गया। और इसके अलावा अगर हम फोर इच चलाते हैं शीट वाइज, जैसे फोर इच इन ए शीट या वर्कबुक, तो फोर आई में और इच में क्या होगा डिफरेंस, एज अगर शीट वाइज या आप नहीं समझ रहे हैं, हम इसकी बात नहीं करेंगे, आपके पास क्या है,
हम बात कर रहे हैं कि आप लूप लूप समझ गए क्या करना है, उसके अंदर की कोड को रिपीट करना है, कितना बार रिपीट करना है, क्वेश्चन यहाँ पे आता है। तो आपके पास कोई ऐसा है कि भाई 10 बार रिपीट करना है, काउंट पता है, जैसे मान लीजिए ना कि जितने भी सीड्स है हर सीड्स को रिनेम करना है, तो रिनेम करने का कोड हुआ, तो उस रिनेम करने के कोड को कितना बार रन करना है, तो आपको पता है कि मेरे पास 10 सीट है, तो आपने बोला 1 to 10 सीट, बट आपके पास पता नहीं है कि आपके पास कितने सीट्स हैं, तो उस केस में हम यूज करेंगे ईच कोड, वहां लिखेंगे कि फॉर ईच एवरी फॉर ईच इन द वर्कशीट, मतलब हर एक शीट पे चलो, उससे पहले वेरिएबल लगाएंगे कि फॉर डब्ल्यू ईच फॉर ईच डब्ल्यू इन वर्कशीट, ठीक है ना, समझ गया। उसी तरह से अगर आपको पता है कि भाई डी में 10 सेल पे चलना है तो आप 1 से लेकर 10 कर लो, बट आपको नहीं पता है लेकिन इतना पता है कि सिलेक्टेड एरिया में करना है जी। आप 4 ईच लगाओगे, जहां पे आपको काउंट पता है कि भाई इतना बार रिपीट करना है तो यूज द आई, जहां पे पता नहीं है कि कितना बार रिपीट करना है आपको ये करना है कि जितना मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट मतलब हुआ सेल, वर्कशीट, वर्क बुक, जो जो ऑब्जेक्ट होते हैं एरे के ऊपर डली गई वैल्यू, जितने ऑब्जेक्ट है उतना बार चले, सो वी अप्लाई द इच। सर फॉर इच में हम एज ए सर वो सर ठीक है सर क्लियर है सर, इच में हम वो अगर हम देना चाहे कंडीशन तो पॉसिबल है, जैसे मेरे पास मान लो अगर 100 सीटें हैं, इच समझिए इसके बीच में आप अपने हिसाब से जो कोड डालना चाहो डाल सकते हो, उससे उसको मतलब नहीं है, कोड का मतलब नहीं है कि इसके अंदर में क्या कोड दिया गया है, उसका काम है कि इसके अंदर दी गई कोड को रन करना चाहे जो भी हो। अब वो कोड वीवीए लैंग्वेज से रिलेट करती है नहीं करती है वो चेक करना किसी और का काम है, कोड का काम है उसको रन करना, अगर कोड सही है तो रन होगा, नहीं सही होगा तो एरर देगा। हाँ जैसे मतलब मान लो जी जैसे इसको मैंने मान लो मेरे पास सीटें 100 है तो 100 में से मैंने इसको बोला कि 2 को छोड़ दे और बाकी जो 98 है उनका नाम चेंज कर दे, तो हो जाएगा ना सर। हाँ हो जाएगा, ठीक है जी। अब बात करते हैं डू लूप का, तो डू के भी दो दो पार्ट होते हैं, व्हाइल एंड अंटिल, दोनों एक ही होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो आगे क्लास बताऊंगा, लेकिन डू लूप करता क्या है, तो यहाँ पे आपको पता है कि भाई एक काउंट पता है कि 10 बार चलना है, आपको एक काउंट पता है कि भाई एक ऑब्जेक्ट के ऊपर चलना है, लेकिन डू वहां पे यूज करते हैं जहां पे कंडीशन, जैसे कि हमने बोल दिया कि सी वैल्यू में तब तक लूप चलता है जब तक सी में सी कॉलम के अंदर उसको वैल्यू मिल रहा है, जहां उसको वैल्यू मिलना से ब्लैंक सेल मिले वहीं पे लूप को रोक दे। अब यहाँ पे क्या है कि ना हमें स्टार्टिंग पता है ना हमें एंडिंग पता है, हमें पता है कि कंडीशन कि सी कॉलन के अंदर में जब तक वैल्यू होगी तब तक चलेगा, तो वैल्यू 5 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है और 500 भी हो सकती है, 500,000 भी हो सकती है, ठीक है सर। हेलो ठीक है सर जी सर, तो वहां पे हम डू लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि इंटरनेट का आप मान लीजिए कि एक्सेल के जरिए इंटरनेट एप्लीकेशन को एक एक इंटरनेट की वेबसाइट खोल के उसमें से एक डेटा ले रहा है, तो डेटा लेने का कोड तभी रन करोगे जब आपका वेबसाइट इनिशियलाइज हो जाएगा, वीवीए काम था कि वेबसाइट को खोल देना, लेकिन वेबसाइट जैसे ही आपको ओपन होगा तो कुछ सेकेंड्स का टाइम लेगा ना, क्या सर जी? और वो सेकेंड्स 1 सेकेंड भी हो सकती है, 5 सेकेंड भी हो सकती है और 1 मिनट भी हो सकती है, और डिपेंडिंग ऑन वेबसाइट या डिपेंडिंग ऑन इंटरनेट स्पीड। तो वहां पे अगर आपको ये करना है कि भाई वेट करना है जब तक वेबसाइट रेडी नहीं हो जाती है तब तक वेट करना है, तो वेट करने का कोड वो कितना बार रन करेगा, तो ये फोर वहां पे वर्क नहीं करेगा, वहां पे डू होगा कि डू में बोलेंगे बोलेगा कि वेट कब तक, जब तक की वेबसाइट इनिशियलाइज हो, मतलब एक लूप करना है आपको लेकिन एक पर्टिकुलर कंडीशंस पे, कि जब तक वो कंडीशन रहे तब तक लूप चलता रहे, जब वो कंडीशन खत्म हो जाए तो लूप बाहर आ जाए।
एक एग्जाम्पल और बता सकता हूं, जैसे कि आप इनपुट बॉक्स जानते होंगे कि मैक्रो रनिंग रन करते समय हमें एक ये लेना होता है, क्या बोलते हैं, एक इनपुट लेने के लिए हमें एक इनपुट बॉक्स देते हैं, तो उसमें अब जरूरी नहीं है, मैं एक बार रन करके बताता हूं। जैसे यहां ही देख लीजिए, अब मैंने इसको रन किया तो 10 बार कॉपी हो गया, हो गया सर। अब जरूरी नहीं कि 10 बार हो, मैं चाहता हूं कि मैं रन करते समय डिसाइड करूंगा कितना बार होगा, 5 करूं तो 5, 10 करूं तो 10। तो उस केस में हम क्या करते, हम यहां इनपुट बॉक्स लगा देते, इनपुट बॉक्स, एंटर रैप टाइम, ठीक है। तो रन करते समय मुझसे एक पॉपअप पूछता है, अब मैं इसमें नंबर डालू या ना डालू ये मेरी मर्जी है। कैसे जी? तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैंने नंबर 5 डाला तो रिपीट 5 बार रिपीट हो जाएगा, लेकिन मैं नंबर कुछ नहीं डाला, ओके कर दिया या कैंसिल कर दिया, तो क्या होगा, हमें एरर रिसीव होगी ना, क्योंकि लूप को तो स्टार्टिंग और एंडिंग चाहिए। ठीक है, तो यहां पे मुझे ऐसा कंडीशन देना है कि भाई मेरा ये इनपुट बॉक्स तभी ही रेड हो जब इनपुट बॉक्स के अंदर में कोई वैल्यू डालो। अब मैं वैल्यू एक बार में डाल दूंगा, 10 बार में डाल दूंगा, या मेरे मन होगा तो 100 बार में वैल्यू नहीं डालूंगा, तो 100 बार वो एपियर करता रहे, तो वहां पे हम डू लूप इस्तेमाल करते। तो आगे चल के क्लासेस में हम आपको बताएंगे कि डू लूप का काम क्या होता है। हेलो हेलो तो सर ये कैसे था कि जैसे कि ये कंडीशन पे काम करता है, फिर ये कौन सा ऐसा, यही जो आपने बताया डू लूप, एज ए कंडीशन पे, मैं तो यही बोल रहा हूं। नहीं नहीं सर, मैं अपने क्लाइंट्स के लिए बात कर रहा हूं कि मतलब एज ए कह सकते हैं कि ये एज ए कंडीशन पे काम करता है, राइट? जितनी मैं जब तक कंडीशन मिलता रहेगी तब तक वो आपको आपकी रिपीटेशन को करता रहेगा। अब इसमें एक आगे एग्जांपल आप बात करते हैं कि मुझे यहाँ पे 1 से लेके 100 तक का नंबर लिखना है, रेंज के ऊपर 1 से लेके 100 तक का नंबर लिखना है। अब हम इस आई को अपने फायदे के लिए, अपने इसमें वैल्यू के लिए इस्तेमाल करेंगे, इसके बारे में समझिए आप। तो सब्जेक्ट लूप अंडरस्कोर टू माइक ओपन, यहां पे हम बात करते हैं कि 4 i इक्वल टू चले 1 टू चले 100। नेक्स्ट, अब मुझे क्या है कि इस सेल पे 1 से लेके 10 100 बार लिखने, तो कैसे लिखे, उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि मैं एक वेरिएबल ले लूं कि dim r as a integer, ठीक है, और फिर यहां पे करो r इक्वल टू r प्लस 1, और फिर यहां पे लिखो कि रेंज a के साथ r कंबाइन हो डॉट वैल्यू इक्वल टू r। तो r क्या कर रहा है, r एक इंटीजर है, याद रखिए, सुनिए, r एक इंटीजर, शुरुआत में r की वैल्यू होगी 0, यहां हो जाएगी 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, यहां पे ए के साथ 1 कंबाइन होगा तो क्या बन जाएगा, ए 1, और यहां पे 1 डालेगा, क्लियर है जी। फिर दूसरी बार चलेगा तो आर की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि हम इससे पहले बार लूप में 1 डाल चुके हैं, तो 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 2, ठीक है, तो यहां पे ए के साथ 2 कंबाइन होगा और आर यहां 2 होगा। जैसे देखिए एग्जांपल, तो यहां पे एक तरीका ये था। तो बेसिकली क्या चाहिए, हमें सीक्वेंस ही चाहिए ना,
आप देखिए जो आर यहाँ पे अगर मैं एवलेट करूंगा फंक्शन को, इसको क्या बोलते हैं माइक्रो को, तो आप देखेंगे कि आई वन तो आर भी आपका वन, ठीक है सर। तो हम क्यों इस आर को ले, हम डायरेक्ट आई ले लेते हैं, क्योंकि आई भी एक वेरिएबल है, हमने आपको बताया यहाँ पे काउंटर है, और ये भी एक स्टोरेज पॉइंट है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए एक से लेकर 100 तक आ गया। अब मुझे सीट, मान लो हर सीट का नाम चेंज करना है, तो यहाँ पे हम आई का इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जेक्ट लूप अंडरस्कोर 3 ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पे लिखेंगे 4 i इक्वल टू 1 to 4, और सीट्स i डॉट नेम इक्वल टू, ठीक है। तो हर सीट का नाम वो आई दे देगा। तो यहाँ पे जो आई को आई का आई पे जो स्टोर होने वाले 1, 2, 3, 4 कंटिन्यूअस सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को हमने फॉलो किया। अब ये रन कैसे करेगा देख लीजिए एक बार एवलेट करके, ताकि समझ में आ जाएगा लूप आपको अच्छी तरह से। आई यहाँ पे देखिए आई इक्वल टू 1 है, तो सीट 1 और इसका नाम इसने 1 कर दिया, राइट। नेक्स्ट ने चेक किया कि 1 इज लेस देन 4, वापस भेज दिया। अब देखिए आई हमारा 2 हो गया, अब सीट 2 का नाम ये 2 दे दिया, वापस 3 हो गया, 3 वापस 4 हो गया एंड 4। अब देखिए इसने चेक किया कि आई इक्वल टू 5 है, क्योंकि 4 से बड़ा है, तो इसने लूप को बाहर कर दिया, एंड करके लूप से बाहर कर दिया कर्सर को, और फिर मैक्रो एंड, और हर सीट का नाम सिक्वेंसली हो गया। क्लियर है, किस तरह का डाउट? जाहिद जी, रमेश जी एंड तेजिंदर जी? नहीं सर, ठीक है सर। इसमें यो सीट ओपन नहीं है तो चेंज नहीं होगा ना नाम? क्या जैसे सीट 4 दिया, सीट 3 होगा तो क्या होगा सर? तो उसको ऑटोमेट करने के लिए आपको बताया था ना, हम यहाँ पे सीट डॉट काउंट ले लेंगे, हमने एग्जांपल बताया है। अगर आप ऑटोमेट करना चाहते हैं तो डायनेमिक कर लीजिए इसको, वो तरीका था पता ही आपको ना, ठीक है सर। ओके ओके, अब चलते हैं इनकी क्वेश्चंस के ऊपर, जाहिद जी की जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर।